लो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर भाग्यश। बच्चों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमारी इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो बिग बैंग थ्योरी के बाद हमें ये तो पता चल गया कि एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हुई। हीलियम फॉर्म हुआ, एटम्स फॉर्म हुए, उसके बाद एटॉमिक क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके वजह से हमारी पृथ्वी जैसे सुंदर प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई, हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई। तो बच्चों, बात करें 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। सबसे पहले क्या था, हमारी पृथ्वी जो थी वो बस एक जलता हुआ पत्थर था। इट वॉज मॉल्टन। तरह तरह के मेटियोराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स आकर रोज हमारे पृथ्वी से टकरा जाती थी। लाइफ की कोई भी एग्जिस्टेंस तब नहीं था और ना ही उसमें ऑक्सीजन था। बट समय हमेशा सेम नहीं रहा, चेंजेस हमारे पृथ्वी में भी आई। जितने भी हैवी हमारे एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन, निकल, सब नीचे की तरफ दब गए, और जितने भी लाइटर एलिमेंट्स थे लाइक एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, वो ऊपर की तरफ उठ गए। और कुछ बच्चे ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो एवापोरेट हो गए। दैट मीन्स पृथ्वी में चेंजेस आने लगे। जितने भी हैवी मेटल्स थे, जितने भी हैवी हमारे एलिमेंट्स थे जैसे कि निकल और आयरन, नीचे जाकर उन्होंने फॉर्म किया हमारे पृथ्वी का कोर, और एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम ने मिलकर फॉर्म किया हमारे पृथ्वी की क्रस्ट। तो बात करें इन एलिमेंट्स की मूवमेंट में, इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द थ्री लेयर ऑफ आवर अर्थ, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और आज भी अगर हम देखें, कोर की टेम्परेचर आज भी ज्यादा है, आज भी पृथ्वी का कोर जल रहा है। ठीक है, ये जो वॉल्केनोज आते हैं, दे आर नथिंग, पृथ्वी की अंदर की ही गर्मी है जो थ्रू क्रैक्स बाहर आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, पृथ्वी में अब भी चेंजेस आ रहे थे, और उसी चेंजेस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लैंड मास, द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, दैट इज पेंजिया। पेंजिया की फॉर्मेशन हुई, सुपर कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हुई, और वहीं पे हमारे ओशंस की भी फॉर्मेशन हुई। वैसे बच्चों, अगर आपको पूछा जाए कि ओशंस ज्यादा हैवी है या लैंड मासेस, तो क्या होगा आंसर? बच्चों हमेशा याद रखो, लैंड मास जो है, कॉन्टिनेंट्स जो है, वो लाइटर होते हैं एज कंपेयर टू ओशंस। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी एक्चुअली, हमारे लैंड मास जो है वो ओशंस के ऊपर फ्लोट करती रहती है। अब बात करें बच्चों, इसी टाइम में ये माना जाता है कि फर्स्ट कोई फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो गई। उसने क्या किया, उसने सन के एनर्जी को यूज किया और ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट बनाकर उसको रिलीज कर दिया। इनफैक्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ की भी अगर हम बात करें, इट वॉज बिलीव दैट इट ओरिजिनेटेड इन आवर ओशंस, हमारे वाटर बॉडीज में ही इसकी फॉर्मेशन शुरू हुई। अब ऑक्सीजन के बाई प्रोडक्ट बनते ही बच्चों, उन्होंने स्टार्ट किया गैस मीथेन के साथ अपनी रिएक्शन, जो उस टाइम पर, प्रीवियस एटमॉस्फेयर की बात करें तो मीथेन वाज वेरी वेरी अबंडेंट इन दैट एटमॉस्फेयर। जब ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उसने मीथेन के साथ कंबाइन किया, उसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। अब मीथेन की बात करें तो मीथेन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। ये जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आज पढ़ते हैं बच्चों, तब वो इतना प्रोनाउंस नहीं था। ऑक्सीजन के बनते ही मीथेन के साथ उसके रिएक्शन होते ही बच्चों क्या हुआ, पृथ्वी में ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो गया। जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से आइस एज आई, पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, सब कुछ बर्फ बर्फ हो गया। बहुत टाइम तक ये कंटिन्यू रहा, 300 सालों तक ये कंटिन्यू रहा, और उसके बाद एक नई पृथ्वी का जन्म हुआ जिसमें ऑक्सीजन अबंडेंट था। आज हमको पता है 21% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो ये चेंज बच्चों एक दिन में नहीं आया, ये चेंज आया ओवर अ बिलियन ऑफ ईयर्स, फ्रॉम अ मॉल्टन रॉक टू अ प्रेजेंट अर्थ। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था और बहुत ही सुंदर जर्नी था। बट इसमें कैसे लाइफ की फॉर्मेशन हुई बच्चों, कैसे वो फर्स्ट सेल बना होगा, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक रुकना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।